चढ़ते कला टाइम टीवी के विशेष प्रोग्राम देश प्रदेश लाइव के सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं रणबीर सिंह, मेरे नाल मनीष गुप्ता जी। स्टडी वर्ल्ड तो जो कि विशेष तौर पर अज न्यूजीलैंड बारे चर्चा करेंगे, तो जो विद्यार्थी आखिर के सुनना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया संबंधी के इस वक्त की स्टेटस चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी वर्ग जोड़ा है हले अप्लाई करने की उड़ीक है, तांग के उन्होंने भी बहुत सारिया गल्ला मतलब लैके प्रोग्राम के आखिर आवेंगे। स्वागत है मनीष जी थोड़ा। थैंक यू मच। न्यूजीलैंड का की इस वक्त क्या कि इंपैक्ट पे जिस तरह टाइट होया ऑस्ट्रेलिया, विद्यार्थी मूव होया या हले वेट चाहिए ऑस्ट्रेलिया ही अप्लाई करना है? नहीं, बेसिकली जिहड़े स्टूडेंट्स सीगे जिन्हां दा गैप ज़्यादा सीगा, जिवें फॉर एग्जाम्पल भी 2012 दी प्लस टू है या 11 दी प्लस टू है, या फिर जिन्हां दे बैंड थोड़े जे लाइक घट सीगे, जिहड़े जिवें 5 बैंड दे स्टूडेंट सीगे, ते उहनां नूं इक राह मिल गया भी ठीक है न्यूजीलैंड एक्सैप्ट कर रहा स्टूडेंट्स नूं, अगर गैप भी हैगा तां वी एक्सैप्ट कर रहा भी असीं। किन्ना गैप? हाँ जी, असीं मैक्सिमम लाइक 4 साल 5 साल दे गैप तक दा वीज़ा दित्ता है, लाइक 2010 दी प्लस टू दा सी। इक तो वीज़ा लैणा इक वक्खरी गल्ल है वैसे। नहीं, वैसे बेसिकली यह है भी अगर बच्चे का गैप, जिनों गैप आप किनू कहने भी स्टडी गैप की गल कर रहे हैं, स्टडी गैप के विच अगर बच्चे ने 4 साल का गैप है बच्चे का, तो अगर उन्हें कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो फादर नाल काम किया है, इस केसिस विच भी असी वीज़ा देता है। ये कुछ केसिस विच साडे लाइक ज़्यादातर ऐसे केसिस विच जिहदे विच गैप सीगा उहदे विच इंटरव्यूज आई सीगियां, बेसिक इंटरव्यू आए सी, 10-12 मिनट की इंटरव्यू सी बच्चों की, बट बच्चे ने इंटरव्यू क्लीयर किया तो उन्हों का वीज़ा ग्रांट होया। अच्छा, इतने स्टेटमेंट ऑफ परपज़ बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, की फर्क है ऑस्ट्रेलिया दी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और न्यूजीलैंड दी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दे विच? बेसिकली लाइक अगर आप देखा जाए तो मोर और लैस भी दोनों दी सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं हैगा, बट ए दे विच थोड़ा जा गैप्स दा जिहड़ा हैगा लाइक एक्सप्लेनेशन वो ज़्यादा जरूरी है। तो दूसरी गल भी तुसीं पढ़ाई तो बाद जिवें सबनों पता है भी एक साल का वर्क परमिट मिलता है, अगर ब्लंट दी बच्चा कह दिंदा भी नहीं जी मैं तो एक साल पढ़ाई करन तो बाद वापस आऊँगा तो मैं जॉब करूँगा, वो लॉजिकल नहीं लगता। वीज़ा ऑफिसर नूं भी पता है भी हर कोई बच्चा जिन्हों वर्क परमिट मिल रहा है भी वह रहेगा ही रहेगा, एक साल का पोस्ट स्टडी वर्क रहेगा ही रहेगा, तो उस तो बाद फिर ही पीआर की अपलाई करेगा, तो अगर नहीं बन पाएगा फिर इंडिया आएगा। तो उस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा डिफाइन करना जरूरी हो जाता भी हाँ जी अगर बच्चा लाइक अगर उत्थे पढ़ रहा है पढ़ने तो बाद वर्क परमिट लै रहा है तो वो भी एक्सप्लेन करे भी ठीक है जी मैं वर्क परमिट लूँगा, मैं जो मेरे राइट्स है मैं अवेल करूँगा, उस तो बाद अगर मेरी जॉब ऑफर फर्दर सोचा जाएगा, हाँ उस तो बाद मैं अगर सोचूंगा भी अगर मैं लगेगा भी कंट्री अच्छा है तो भी मैं मेरा दिल लगेगा तो मैं करूँगा, प्लस जो वर्क एक्सपीरियंस दिता मैं उदा, अगर उत्थे फायदा हो सकता उत्थे करूंगा, नहीं तो मैं इंडिया जाके उस चीज़ का फायदा उठाऊंगा उत्थों दे वर्क एक्सपीरियंस आके। अच्छा, जो एक साल का वर्क परमिट, एक साल का स्टडी सॉरी उपर जो वर्क परमिट मिलता है कि वह सा ब्रिज बनता है पीआर का, 18 महीने पढ़ाई करनी पैनी है? नहीं बिल्कुल, जी पढ़ाई करनी हैगी है पहले पढ़ाई असी कंप्लीट करनी हैगी आपकी, ठीक है, उस तो बाद जो पोस्ट स्टडी वर्क सूँ मिल रहा है वो एक जॉब ऑफर चाहिए है जो कि क्लोजली रिलेटिड फील्ड में चाहिए है, भी अगर बच्चे ने अकाउंटिंग का किया है तो उन्होंने एक जिमें बिजनेस मैनेजर की जॉब मिल रही है भी टैक्निकली है तो रिलेटिड बट वो क्लोजली रिलेटिड नहीं हैगी, अकाउंटिंग की चाहिए है, अकाउंटिंग के कॉस्ट अकाउंटिंग हो सकती है, फाइनैशियल अकाउंटिंग हो सकती है, वो मनिया चीज़ ठीक है, लाइक बट एक कैशियर की जॉब भी आप अकाउंटेंट की नहीं कहेंगे, वो भी लाइक क्लोजली रिलेटिड नहीं हैगी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क है। एग्जैक्टली, भी कैशियर कैशियर है भी पैसे दे रहे हैं, टैक्निकली तो अकाउंट से पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं कैश बुक देख रहे हैं, बट वो भी अकाउंटिंग नहीं है, वो भी डिफरेंट है, इस करके क्लोजली रिलेटिड फील्ड में चाहिए भी जॉब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है भी जो पढ़ाई तो बाद जी पढ़ाई की है वो जी एक साल के पीआर हो जाती है कि 18 महीने का कोर्स है 2 साल का करना ही पैदा न्यूजीलैंड। नहीं, पढ़ाई करन तो बाद जो वर्क परमिट मिलता है अगर वो जॉब ऑफर बच्चे मिल जाती है क्लोज रिलेटेड फील्ड में तो ही कैन अपलाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी, बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं जी। अच्छा अमनी जी, एक सवाल आया विद्यार्थियों वालों, हालांकि साडे शो दे नाल बहुत ज़्यादा संबंधित नहीं है, किसी ने न्यूजीलैंड दे विच स्टडी कर ली वर्क परमिट भी ले लिया, जो वर्क परमिट जिस होटल्स तो लिया सी होटल वर्क परमिट लैण तो 2 महीने बाद बंद हो गया, इन्हां हालातों च की हुंदा विद्यार्थियों का? नहीं, ये देखो जो उस टाइम पर वेरीफिकेशन होनी है, जो बच्चे की वेरीफिकेशन होनी है, अगर वो जॉब ऑफर इन हैंड नहीं हैगी ठीक है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सीगा बट एट द टाइम ऑफ लाइक प्रोसैसिंग वो जॉब ऑफर इन हैंड नहीं हैगी, तो ये 99% लाइक इट वोंट बी एक्सेप्टेड, उन्होंने बच्चे या तो उन्होंने कोई होर जॉब ऑफर देनी पेगी ठीक है, नहीं तो अदरवाइज उन्होंने फील्ड अपना छड़ देना पेगा, जो होटल वाला एक नवा होटल होर चुनना पेगा। एग्जैक्टली, लाइक उन्हों जब जी चीज़ वेरीफिकेशन नहीं हो पा रही हैगी, जो ठीक है वीजा ऑफिसर चेक कर रहे हैं भी हाँ जी भी लाइक इंपलॉयर तो भी यह चीज़ा एक्सैप्टेबल है, लाइक ये सारिया चीज़ा बच्चे लाइक जॉब दिती है तो इन्नी पे हैगी सब कुछ है, जब वो एसटैबलिशमेंट ही बंद हो चुकी है तो कोई वेरीफिकेशन हो नहीं सकती, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जो जो तो बच्चा आंदा काउंसलिंग लिए ठीक है, एक तो आप कहने कि विद्यार्थी का अपना इंट्रस्ट होना चाहिए कोर्स के, उस तो अलावा जो कोर्स तुम सिलैक्शन कराते हो कि पैरामीटर की होंगे, मैथडोलॉजी की होंगी है कि एक जरा
कैंटावरी लिस्ट दे विच होवे, लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल लिस्ट दे विच होवे, या विद्यार्थी लिए करना ईजी होवे, रेलेवेंसी होवे, की पैरामीटर होंगे? देखो मेन साडा पैरामीटर यह रहिंदा वी बच्चे ने पहला पढ़ाई की कीती है, तो सैकेंड चीज़ यह है भी उस दे रिलेटेड लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट भी किहड़ा कोर्स सानू मिल रहा है जिहदे विच वी बच्चा कर भी सके, पढ़ाई भी कर सके, रेलेवेंट भी होए, तो उन्होंने कंप्लीट करन तो बाद बच्चे की परमानेंट रेजिडेंसी एज सून एज पॉसिबल हो। क्योंकि मेन देखो जो भी बच्चा जा रहा है, लाइक जेडे मर्जी कंट्री जा रहा है, 99% कहूँगा मैं इस चीज़ को, 99% बच्चा वो जा रहा है जिहड़ा पढ़न तो बाद उत्थे पक्का होना चाहता है, बेशक वापस आना भी चाहता है, बेशक उहदे फैमिली दे बिजनेस होए या जॉब लाइक अच्छा प्रोफाइल हो इंडिया च, फिर भी एक बारी तो परमानेंट रेजिडेंसी लैंदा ही लैंदा, बंदा चाहता ही है भी मैं लै जाऊँ, बेशक वापस आ जाऊँगा इंडिया, बट मैं लै जाऊँ एक बार। इस करके वो परमानेंट रेजिडेंसी ता ही मिल पाएगी बच्चे को जब लाइक डिमांड में होएगा कोर्स डिमांड में होएगा ता ही उन्होंने जॉब ऑफर मिलेगी, नैचुरल जी गल है, अगर डिमांड में ही नहीं होएगा, जिवें काफ़ी कोर्सेज ऐसे है जो बिल्कुल डिमांड में नहीं है, उत्थे जॉब ऑफर नहीं मिल पाती हैगी, जब जॉब ऑफर मिल ही नहीं पाएगी तो बच्चे के पी आर के कोई चांसिस नहीं बनते हैं। तो इस करके बच्चे ये चीज़ की रेजिडेंसी रखनी चाहिए है भी जो पढ़ाई कर जा रहा है तो लाइक डिमांड में हो, तो कोर्स जिमें हूँ लाइक इंजीनियरिंग के काफ़ी कोर्सेज आते हैं, जिमें इलैक्ट्रॉनिक्स के इलैक्ट्रीकल के कोर्सेज आते हैं, फिर लाइक कुकरी बहुत ज़्यादा डिमांड में हैगी, उ जिमें लाइक ट्रैवल एंड टूरिज्म के कोर्स डिमांड में है, एग्रीकल्चर हॉर्टीकल्चर के कोर्स डिमांड में है, तो यह सारे कोर्स जो डिमांड में जो बहुत हाई डिमांड है, नर्सिंग बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, टीचिंग बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है, तो ऐसे कोर्स जब बच्चा पढ़ता है तो पढ़ने तो बाद ना दिन जॉब ऑफर मिल जाती है, तो ना दिन बच्चा अपलाई कर सकता है, तो यह चीज़ बच्चे बेनीफिशियल रहती है, तो ही बच्चे की परमानेंट रेजिडेंसी होगी। कैनेडा और आस्ट्रेलिया जाने वाले विद्यार्थियों लिए एक बड़ी चीज़ देखने सामने ये कि जो उतो माइग्रेशन लै रहे अपना कॉलेज छड़ के दूजे चले जाते हैं तो पी आर समस्या आती है, न्यूजीलैंड वाले किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? इतों वीज़ा तो लग जाता है, उत्थे जाके असीं गलतियां करते हैं विद्यार्थी, बहुत सारी ऐसी गलतियां कर लेंगे जिदा खमियाजा बाद पी आर वे भुगतना पैंदा, की नुकसान हुंदा है न्यूजीलैंड च? बेसिकली देखो उत्थे कॉलेज को चेंज करना कोई आसान काम नहीं है, भी तुसी अगर कॉलेज चेंज करना है पहली गल तो रिफंड पॉलिसी के हिसाब से चलना पेगा, दूसरी गल उन्होंने बच्चे दोबारा वीजा अपलाई करना पेगा, उत्थे नवे सिरे तो वीजा अपलाई होगा, इस करके कॉलेज चेंजेस तो बहुत रेयर केस च ही होंगे, ज़्यादातर नहीं होंगे है, उस सरकमस्टांस हो जाते भी जो बच्चा इतों चला गया कोई कोर्स लैके, जब कई कंसलटेंट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिता है भी बच्चे एक धक्के कोई ऐसे कोर्स पा दिया जो बच्चे नहीं समझ आ रही, नहीं पढ़ पा रहा या बिल्कुल ही सिर तो उपर निकल रहा नहीं समझ आ रही, इस केस अपलाई कर सकता है भी ठीक है जी मेरा कोर्स चेंज कर दो, तो लाइक दैट इज़ पॉसिबल, कोर्स चेंजिंग इज़ पॉसिबल, बट गलतियां इतने ऐ होंदिया है भी जो बच्चा उत्थे जाता है वो पढ़ाई से ध्यान नहीं दिंदा है, बच्चा क्लासेस अटेंड नहीं करता है, वो अटेंडेंस लो होंगी है, तो जिहड़ियां वह पढ़ाई करता है वो पास नहीं हो पाता है, तो अगर पास हो भी जाता है तो मार्क्स बहुत लिमिटेड जे होंगे ने, तो जो पढ़ाई के दौरान जो टारगेट होना चाहिए बच्चे का, जिमें एक बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स जाता है उन्होंने एक टारगेट यह होना चाहिए भी इन द मीन वाइज मैं कोई जॉब जी पार्ट टाइम जॉब्स उत्ते ऐसी जिथे कि मैं एक बिजनेस मैनेजर की हाँ जॉब मैं मिले, बेशक मैं जिमें उ पार्ट टाइम फ्री च भी काम करना पे, वॉलंटियर की भी काम करना पे, भी मैं भी एक बेस बच्चा बना दे ताकि जिमें फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट्स की एग्जाम्पल दिना भी बच्चे हूँ अकाउंटिंग का कोर्स कर जा रहे हैं, जिमें उ अकाउंटेंट्स तो बहुत ज्यादा अवेलेबल ने हर जगह अवेलेबल ने, जिमें सी ए होंगे ने उ जाके सी ए जाके कहे भी देखो जी मैंने वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं काम आता है, मैं सीख रहे हैं, मैं पढ़ रहे हैं, भी अगर मैं इतने एक या दो दिन तुहाडे कोल हफ्ते च लगा दें फिर सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस की भी मैं थोड़ी जी नॉलेज तो एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो उस तो बाद जब मैं कंप्लीट कर दूंगा तो तुम मैं एक एक्सपीरियंस लैटर दे दियो ताकि मैं कितने होर जॉब लै सकता, तो हूँ बच्चा अगर वो पहले सेम फील्ड जॉब लभ ले तो वधिया पैसे नू साइड दे रख, एग्जैक्टली वो चीज़ सैकेंडरी है क्योंकि बच्चा पैसा तो बाद चो भी कमा देगा जो जॉब लग जाएगी जो पक्का हो जाए उदो भी कमा देगा, बट वो जो पीरियड है जो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है उस टाइम पर अगर वो सैटिंग कर दे अपनी जॉब की तो जो भी पढ़ाई खत्म होएगी तो अगर वर्क एक्सपीरियंस लैटर होए तो उन्होंने एक दूसरी कंपनी एक मिनट से जॉब दे देगी, जबकि बजाय कि एक बच्चा नवा बच्चा जा रहा है जो उन्हें जिम्मे उ कोर्स किया तो उन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं, उन्हें कंप्यूटर बह के कहीं काम नहीं किया, उन्होंने किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं हैगी, वो जाके कहता जी मैं जॉब ऑफर दे दो, तो सोचो भी उन्होंने जॉब ऑफर मिलेगी या जिन्हों एक पार्ट टाइम एक्सपीरियंस दिता है उन्हें भी एक कंपनी का एक्सपीरियंस है प्लस एक्सपीरियंस लैटर प्लस उन्हें काम सीखा भी है, ये चीज़ मैं दूर नहीं जाता है, मैं अपनी गल करदा मैं खुद अकाउंटिंग कर गया आस्ट्रेलिया से गया मैं तो उत्थे जॉब्स नहीं मिलती है, अगर तुम पढ़ाई करने के बाद कहो जी अकाउंटिंग की जॉब मिल जाए इज नॉट दैट ईजी, क्योंकि तुम्हें कह जी क्यूबिक बुक्स आदि नहीं आदि जी सू लाइक एच आर टीम से काम करना नहीं आता जी सू लाइक सॉफ्टवेयर होंगे ने चीज़ों से काम ही नहीं किया हुआ जी ने तो की पता भी तुम्हें डिग्री थोड़े हाथ चाहिए तुम्हें आंता कुछ है नहीं गा, जबकि मैं दो साल की जी स्टडी की उसके सी ए को काम किया, मैंने अप्रोक्सीमेट सिक्स मंथ से वॉलंटरी काम किया, मैंने काम सीखा उस तो बाद उन्होंने ही मैंने जॉब देती, तो जब दो साल की मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो मेरे को वर्क एक्सपीरियंस लैटर से मेरे को मैं जाते सार मैंने प्राइस वाटर स्कूप लाइक एज असिस्टेंट ऑडिटर की जॉब मिलेगी, जो कि मेरे नाल के जो बच्चों ने जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की तीन गुना मेरी सैलरी थी उन्होंने सिर्फ इस करके भी ट्रेनिंग पहला कर लिया, एग्जैक्टली तो ये चीज
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਦਈਏ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਲਈਏ ਅਗਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੈਸੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 20 hours ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ ਉਹ 40 hours ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 40 hours ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਕ 20 hours ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ 40 hours ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 40 hours 20 hours ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 20 hours ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਵੇ ਘਰੋਂ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਘਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 14 13 14 14 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ 14 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਦੇ ਆਰ ਫਾਈਨ ਵਿਦ ਦੈਟ ਬਟ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ 20 hours ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ 20 hours ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਈਕ ਇੱਕ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕਰੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੋਬ ਆਫਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਆਈ ਗਰੰਟੀ ਦੈਟ ਵੀ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਬ ਆਫਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੀਆਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਜੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚਾ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $50,000 ਤੱਕ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ $50,000 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੱਚਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੈਚਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ 3 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਉਹੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੇ ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਆਪਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਰਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਪਅਪ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿਹਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਬ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੀਸ ਲਾਈਕ ਸੋਰਟ ਆਫ ਸੋਫਟਵੇਅਰਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੇ ਇਹ ਮਾਸਟਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੋਬ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੇਗੀ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4 ਦਿਨ
ज़्यादा मैं आप खुद देखा भी है कई कोर्सों के कि सारे कोर्सों के भी प्रैक्टिकल पढ़ाई है नहीं लाइक जेडे हैगे ने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स ने जिवें लाइक जिवें डेयरी फार्मिंग आ गए कुकरी हो गई तो प्रैक्टिकल कोर्स ही होंगे बट अगर अकाउंटिंग की गल करिए आई टी की गल करिए आई तो लाइक बिजनेस मैनेजमेंट ये बेसिकली थ्योरेटिकल कोर्स ने जनरल कोर्स ने जी कि क्लासरूम स्टडी होंगी है तो वे ही पढ़ाया जाता है ये ज़्यादातर ऐसा कुछ नहीं है बाकी ये थोड़ा जहा आस्ट्रेलिया की मैं थोड़ा गल करना चाहूँगा इसी रिलेटिड भी एक लाइक एक प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम होंदा है आस्ट्रेलिया विच वो की होंदा है भी बैचलर करन तो बाद या मास्टर्स करन तो बाद एक साल का प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम है वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ उन्हें ऑफर कर रही हैं उसदे विच एक नॉमिनल की फीस होंदी है अप्रोक्सीमेटली 4-5 हज़ार डॉलर के आसपास बच्चा पे करता है उसदे विच बच्चे नूं पढ़ाई भी कराई जाती है हफ्ते च एक अद्धा दिन बच्चे नूं ट्रेनिंग दी जाती है ना उन्हें जॉब प्लेसमेंट दी जाती है ओके ओ किस लई है हर एक नूं ये बच्चा ग्रेजुएशन होनी चाहिए या मास्टर्स होनी चाहिए ये यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम होंगे ये प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम कहते हैं ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज इस टाइम ऑफर कर रही हैं तो बच्चा पे करके वो जॉब रेडी बनाने वास्ते एक जॉब रेडी करने वास्ते बच्चे नूं जिहड़ी मैं गल कर रहा सीगा स्किल लेके आंदे हुंदे एग्जैक्टली जिहड़ी मैं गल कर रहा सी वी बच्चा जिहड़ी पढ़ाई दे दौरान वो काम कर दे अगर वो नहीं कर पा रहा है आस्ट्रेलिया चीज़ ऑफर कर रही है भी उन्होंने लाइक आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने देखा भी बच्चे आ रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं बट जॉब फिर नहीं मिल रही तो जी उन्होंने डिमांड हैगी है फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट्स की इंजीनियर की उत्थे दी उत्थे खड़ी है जबकि इन्ने इंजीनियरिंग पास हो रहे हैं भी बच्चे जा कितने रहे हैं भी प्रॉब्लम कितने आ रही है भी एक बच्चे ने डिग्री भी लैदी मास्टर्स कर दी उन्हें एक इंजीनियरिंग से कर दी इंजीनियर की डिमांड है इंजीनियर की डिमांड फिर भी उत्थे दी उत्थे खड़ी है इंजीनियर दुनिया भर के पास हो गए इन्होंने ये चीज़ का सर्वे किया उस तो बाद इन्होंने देखा भी बच्चे पढ़न तो बाद भी दे आर नॉट जॉब रेडी भी उन्होंने जॉब के जान दे विच प्रॉब्लम आ रही है लाइक दे आर नॉट वेरी मच एक्सपीरियंस ते कंपनी जिहड़ियां एक्सपीरियंस बंदा मांग रही है उन्होंने एक बिच बचाले वाले रस्ता कढ़िया गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम जिहदे विच बच्चा थोड़ी जी ट्रेनिंग मिलेगी जिहड़े कि कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले ट्रेनिंग विद्यार्थी दी मर्जी नाल है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज दी मर्जी नाल है ए बच्चे दी मर्जी नाल है मर्जी नाल है पे करना पैंदा कुछ हाँ जी बिल्कुल यदि फीस हैगी है हर यूनिवर्सिटी की एक फीस हैगी है हर यूनिवर्सिटी प्रमोट करती है तो ज्यादातर टेक्निकल सवाल इस करके पूछ रहे हैं कि तुहानू जदों स्टडी कंप्लीट हो जाते 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है ये वक्रा वीजा मिलेगा हाँ जी ए बेसिकली ए एक प्रोफेशनल ईयर प्रोग्राम है यदा अलग तो वीजा है ठीक है उत्थी मिल जाएगा एग्जैक्टली पढ़ाई कर खत्म करन तो बाद उन्हें प्रोफेशनल ईयर वीजा लेना है उन्हें तो उहदे विच क्या होएगा कि बच्चा पढ़ाई करेगा नाल पढ़ेगा नाले उन्हें एक जॉब प्लेसमेंट एक कंपनी च इंटर्नशिप जिन्हों कहते हैं भी आप अप्रेंटिस कह दें इंटर्नशिप कह दें उस तरीके रखा जाता है उन्होंने कम सिखाया भी जाता है तो ट्रेनिंग भी दी जाती है तो कम भी कराया जाता है तो जब एक साल पूरा करता है ज्यादातर अच्छी कंपनी से होता है माड़ी कंपनी से नहीं होता है सारी चीज़ा जब कंप्लीट करता है ऑलमोस्ट जॉब रेडी होता है बच्चा जब उस तो बाद अप्लाई करता है बच्चा जॉब अप्लाई करता है तो उन्होंने जॉब आराम मिल जाती है क्योंकि उन्होंने सीख भी देता है ट्रेनिंग भी मिलेगी तो एक कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस लैटर भी आता है ये चीज़ बहुत वधिया प्रैक्टिकल चीज़ हैगी जी आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने प्रमोट की है अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल तो ही चल मास्टर भी ग्रेजुएशन मास्टर भी बच्चे अवेयर ने इस प्रति ये ज्यादातर बच्चों नहीं पता है जो लोकल उत्थे पढ़ रहे हैं उन्होंने शायद पता हो सकता बट इंडिया च यह चीज़ की नॉलेज नहीं है बच्चों ज्यादातर जी मनीष जी एक्सपीरियंस की गल कर रहे हैं जो पंजाब वाल आने तो बहुत वधिया तुसीं अज मुद्दा छड़िया बहुत वधिया टॉपिक छड़िया मैं नहीं चाह रहा इसनूं बदलना पर मैं बदलना इस करके लाजमी बनता जा रहा कि पंजाब दे विच जिहड़ा तजर्बा है जिहड़ा एक्चुअल तजर्बा है उन्हूं तां लुका लिया जांदा कंप्यूटर वर्गे सर्टिफिकेट ला ला के अज असीं आस्ट्रेलिया जा रहे हैं न्यूजीलैंड जा रहे हैं कईआं दे रिजैक्शनस भी आ रही है कई इंटरव्यू दे विच फस जांदे ने की कारण है कि जेन्युइन एक्सपीरियंस क्यों लुकोया जांदा की दुकानदारी मुलाजम जिहड़े मदर फादर ने उन्हां दे नाल काम कराना दुकान ते काम कराना खेतीबाड़ी च काम कराना की एक्सपीरियंस मन्ने नहीं जांदे मैसियां च देखो ये चीज़ जरूर मनी जाती है बच्चे का जरूर ये चीज़ पर ध्यान दिता जाता भी अगर बच्चे ने जेनुइनली कोई चीज़ दसी है उन्होंने मनिया जाता बट मेन गल उत्थे आ जाती भी अवेयरनेस की गल आ जाती भी बच्चा है बच्चे ने एक फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर से काम किया भी ठीक है टाइम पास करते कॉल सेंटर से काम कर दिया भी आस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उन्होंने इस तरीके सोचती है भी ठीक है बच्चे ने पढ़ाई की है भी उन्हें पार्ट टाइम लाइक आपका स्पेंड करने वास्ते भी एक साल नहीं पढ़ना चाहता सिंपल जी गल है भी उन्हें एक साल काम कर दिया तो उस बाद दोबारा पढ़ाई शुरू करती कोई प्रॉब्लम नहीं रेजिडेंसी का उन्होंने कोई ज्यादा वाला मैटर नहीं है हूँ गवर्नमेंट उस तरीके सोचती है बट इतने जो कंसल्टेंट्स बैठे ने उन्होंने उस तरीके पेश किया जाता भी नहीं जी थोड़ा बिजनेस मैनेजमेंट जा रहे हो तो बिजनेस मैनेजमेंट का वर्क एक्सपीरियंस है किसी मैनेजर का असिस्टेंट मैनेजर जो अगे जा रहे हो तुसी बना के लियाओ हाँ वो चीज लेके आओ तो नेचुरली गल है भी डिमांड की जाती है एग्जैक्टली जब वो बच्चा जो चीज़ वो तो मंगी जाती है भी उन्होंने अगर इन्ना पता होता बच्चे भी मेरा वीजा किए देना है मैं तो आप ही अपलाई कर देता उन्होंने एजेंट की क्या लड़ है उस डायरेक्ट अपलाई करेगा एडमिशन डायरेक्ट आपकी एम्बेसी फाइल देगा ही डजंट नीड एनीबडी बट जब कंसल्टेंट को
अपलाई करता है तो नैचुरली गल है एक्सपैक्टेशन होंगी है भी मैंने एक वधिया एडवाइस मिलेगी तो एक वधिया नॉलेज मिलेगी ताकि मेरा केस वधिया तरीके लग जाएगा। हूँ अगर कंसल्टेंट ही कहते जी ये चीज़ बना के देके आओ तो नैचुरली गल है वो चीज़ का जेन्युइननेस तो खत्म होगी अपने आप ही खत्म होगी जी चीज़ सी जेन्युइन तो सारा लाइक अपने आप ही सारा सिस्टम खराब हो गया। और विद्यार्थी वालों एक बहुत वधिया होर सवाल है कि एफ टी एस कौन कौन फंड शो कर सकता है नॉन एफ टी एस कौन कर सकता है। देखो एफ टी एस अगर अपलाई करना चाहता बच्चा फिर तो लाइक कोई फंड टेक्निकली शो करने की कोई लड़ ही नहीं होंगी हैगी। ट्रांसफर कौन कर सकता कोई भी कोई मर्जी ट्रांसफर कर सकता है। इमीग्रेशन ने जो लाइक ए आई पी आती है वो सिंपल जी गल लिखी होंगी है भी एक एफ टी एस से मनी ट्रांसफर करो तो एक फीस कॉलेज की फीस की रसीट दो इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस भी कि जगह तो अपलाई बच्चे ने ट्रांसफर किया कैनेडा तो किए या न्यूजीलैंड तो किए ने ट्रांसफर या कि करंसी से किए उन्होंने कोई लेना देना नहीं उन्होंने रसीट चाहिए उन्होंने रसीट चाहिए दैट्स इट। तो इस तो अलावा अगर बच्चा एफ टी एस नॉन एफ टी एस अपलाई करता है भी जिद बच्चा लाइक लिविंग एक्सपेंस नहीं पे करना चाहता ऐसे केस 20% टू 25% के आसपास थर्ड पार्टी स्पॉन्सर लै दे एक्सेप्टेबल ने। इस तो अलावा लाइक मोर अराउंड 50-55% 60% रिश्तेदार के फंड लै दे एक्सेप्टेबल ने। लाइक कोशिश करके भी 35-40% फंड बच्चे के अपने होन अगर ये रेशो जी बनती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी ये बच्चा भी 6 months अगर फोर्ड फंडस है आराम नाल एक्सेप्टेबल है तो बच्चे दे नॉन एफ टी एस आराम नाल वीजा एक्सेप्टेबल तो की भाव है तुहाडा कि एक्सेप्ट कई फंड नहीं होंदे मना कर देंदे डिनाई कर दिए एम्बेसी। बिल्कुल ऐसा होंदा है भी काफ़ी केसेज क्या होंदा भी सपोज करो तुहाडे कोल फंड्स पए ने ठीक है तो लाइक 6 months ओल्ड नहीं है फंड्स या फिर कोई ऐसे फंड्स है जो एक्सेप्टेबल नहीं या फिर एज लगा दो भी तुहाडी रेशियो तुहाडी ठीक नहीं हैगी भी तुसीं ऑलमोस्ट 100% या 99% फंड थर्ड पार्टी के दिखाते या सारे रिश्तेदार ने दिखाते भी जो थोड़े डिस्टेंट रिलेटिव से भी क्लोज नहीं सके दूर के सके रिश्तेदार ऐसे केस that the visa officer can anyway deny like non-FTS scheme ठीक है वो सू कह सकते हैं भी ठीक है जी थोड़े जो funds है that is fine but if you want to apply through FTS we can process further otherwise we'll take another way around ठीक है तो वो बच्चे एक मौका दिता जाता है घर वाले भैन भरा माँ प्यो इन्हों तो अलावा बहुत दूर दिश्तेदारियों के फंड ना शो किए जाए। हाँ जी लाइक रिश्तेदारी क्लोज रिश्तेदारी मामा जी चाचा जी थर्ड पार्टी की होंगी फिर थर्ड पार्टी जिवें फ्रेंड्स रिलेटिव कुछ कुछ हो सकता है सारा कुछ परसेंटेज वही मैं सुनूं कह रहा हूं 20-25% तक थर्ड पार्टी तो ज्यादा क्रॉस ना करो वो भी थर्ड पार्टी जेन्युइनली थर्ड पार्टी होनी चाहिए है जिवें फॉर एग्जाम्पल बच्चे का अप्रोक्सीमेटली जो तो बच्चा फीस भरता है सारा कुछ खर्चा करता है तो 7-7.5-8 लाख रुपए के आसपास फीस बनती है तो टोटल जो फंड शो होंगे ने प्लस टू के बच्चे वास्ते जो 2 साल का कोर्स अपलाई कर रहा है 22 लाख रुपए के आसपास फंड शो होंगे ने। हूँ ऐसे केस अगर अगर थर्ड पार्टी 2-4 लाख रुपए 4-5 लाख रुपए शो कर रही है तो जेन्युइन है भी चलो कोई खास गल नहीं दैट इज एक्सेप्टेबल। अगर वही थर्ड पार्टी 90% फंड शो कर रही है तो नेचुरली गल वीज़ा ऑफिसर विल ऑलवेज से कि यू गो फॉर एफ टी एस। हूँ यदि रेशो अगर इस तरीके ने बनी हुई भी 30% अपने खुद के फंड्स हो एजुकेशन लोन हो इस तरीके के फंड्स हो या प्रॉपर्टी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो भी एक्सेप्टेबल है ठीक है। उस तो अलावा जिमें 50-60% या 100 बाकी जो 60-70% है रिश्तेदार दिखा रहे हैं क्लोज रिलेटिव चाचा मामा ताया ठीक है सारे फंड दिखा सकते हैं रिलेटिव है वो प्रूफ लगाने पैदा ने भी साढ़े रिलेटिव ने प्रॉपर उन्होंने प्रेजेंट करना पैदा वो भी एक्सेप्टेबल ने। इस तो अलावा अगर 20-25% थर्ड पार्टी फंड्स है वो भी एक्सेप्टेबल है बट अगर आप कही भी सारी थर्ड पार्टी कोई दूर का रिश्तेदार दिखा रहा है या फिर कोई लाइक थर्ड पार्टी फंड स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो एम्बेसी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन लाइक अप्रूव। अच्छा एक दो मिनट बच्चा सिर्फ वीजा का की माहौल है आस्ट्रेलिया के वीजा लैके की माहौल है की स्टेटस है आस्ट्रेलिया के वीजा इस टाइम लाइक जरा प्रोसैसिंग टाइम लग रहा है अप्रोक्सीमेटली 7-10 दिन का प्रोसैसिंग टाइम लग रहा है तो जरा प्रोसैसिंग हैगी है इस टाइम स्पाउस केसिस की थोड़ी जी स्लो चल रही है तो बाकी केसिस की थोड़ी ठीक चल रही है। इस तो अलावा जी कल ट्रेंड एक महीने का पिछले देखा जा रहा है भी जिन्हों के 6 बैंड है 6.5 बैंड है उन्होंने वीजा बहुत जल्दी आ रहा है विदाउट एनी मच वेरीफिकेशन एंड ऑल लाइक 5.5 बैंड जो डिप्लोमा प्लस डिग्री जा रहे हैं 5 तो घट उन्होंने केसिस भी बहुत जल्दी प्रोसैस हो रहे हैं बट जिन्हों के एलिकोस लगिया हुआ है या गैप्स है या उन्होंने लटक रहा केस भी जे वर्क एक्सपीरियंस की 100% वेरीफिकेशन हो रही है तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की तो नहीं हो ही रही है तो ऐसे केसिस इंटरव्यू आने के चांसिस भी काफ़ी ज़्यादा हो पे ने पैदा। थैंक यू मनीष मेहरबानी कुछ खास जी मेरे ख्याल कुछ कहना चाह रहे हो एक चीज़ होर बच्चे काफ़ी पुछते हैं भी फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का न्यूजीलैंड रिजेक्ट हो गया केस या आस्ट्रेलिया रिजेक्ट हो गया फॉर एग्जाम्पल देने आस्ट्रेलिया रिजेक्शन की गल करते हैं आस्ट्रेलिया रिजेक्ट हो गया तो ऐसे बच्चे पुछते हैं भी साढ़ा तो हूँ किसी कंट्री से लगना नहीं आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कट्ठे ने भी आस्ट्रेलिया ने नहीं वीजा दिया न्यूजीलैंड भी नहीं देगा ऐसा
ऐसा कुछ नहीं हैगा, अगर बच्चा नॉर्मली अगर उन्हें लाइक एक्सप्लेन करे भी ठीक है, जो वीज़ा अप्लाई करे सिंपली गल कहे जी ठीक है मैं अप्लाई किया उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट नहीं पसंद आए तो मैं तुम्हें अगर अप्लाई करना चाहता है, न्यूजीलैंड 100% वीज़ा देगा ऐसे केस अगर न्यूजीलैंड का वीज़ा रिजेक्टेड है तो बच्चा आस्ट्रेलिया करना चाहता है तो जरूर होगा। इस तो अलावा एक चीज़ होर है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा आस्ट्रेलिया रिजेक्ट हो गया तुम न्यूजीलैंड चले जाने, न्यूजीलैंड जाके तुम छोटी पढ़ाई के दौरान तुम कहने भी अस घूमन जाना चाहते हैं, ऐसे केसिज आस्ट्रेलिया के वीज़े आराम मिल रहे हैं इस टाइम, आराम आस्ट्रेलिया वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा दे रहा रिजेक्टेड केसिज में भी, तो बच्चे जिमें जिन्हों दो चार महीने हो गए गए आस्ट्रेलिया रिजेक्टेड से तो उन्होंने उत्थों जाके न्यू आस्ट्रेलिया का अपलाई किया वीज़ा उन्हें टूरिस्ट वीज़ा आराम वीज़ा मिले उन्होंने। अच्छा उन्होंने मिल रहे हैं आराम, तुम्हें जी गल की अब बड़ी वीडियो गल की है कि विद्यार्थियों को वहम होंगे कि आस्ट्रेलिया रिजेक्ट हो गया न्यूजीलैंड नेड़े नेड़े ने एडा भी सरहद एम्बेसी नहीं पई कि उधरों आवाज़ आ जाती कि राम सिंह का रिजेक्ट कर दू भी कर दी नहीं कोई गल नहीं हैगी। सो एम्बेसियां का अपना एक सिस्टम है, किस केस नूं किवें देखना है उन्हां दा अपना एक पैरामीटर है, फंडामेंटलिज्म हैगा। सो विद्यार्थी अपने वल्लों किसी तरह की अफवाह दे विच अपनी धारना दे विच ना फसण, लॉ कानून पढ़न, साडे एक्सपर्ट्स जिहड़े आंदे ने सलाह जरूर लो। शो दुबारा देखना चाहुंदे हो कल पौने 5 बजे एक बार फिर इशू लैके हाजिर होवांगे, तदों तक लई अपने दोस्त रणवीर सिंधु नाल गए, धन्नवाद, सत श्री अकाल।